दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है, भूत या फिर मनुष्य ही या और कुछ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि जिनकी अचानक मृत्यु होती है, अर्थात जिनकी दुर्घटना से मृत्यु होती है, वो लोग अपने शेष जीवन में भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। ये मानी हर जगह मानी गई बात है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बात भूत प्रेत पर भी लागू होनी चाहिए। जीव ने यदि भूत प्रेत की योनि में जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए, परंतु उसके मरने की बात कभी सुनने में नहीं आई। अर्थात मनुष्य प्राप्त जीव भूत प्रेत की योनि में जाते हैं, ये केवल कीट पतंग पशु पक्षी और अनेकों जीवों पर भी लागू होनी चाहिए जो प्रतिदिन मनुष्यों द्वारा मार दिए जाते हैं या प्राकृतिक आपदाओं आंधी तूफान भूकंप बाढ़ आदि में मर जाते हैं। इस बात के अनुसार इनको भी भूत प्रेत की योनि में जाना चाहिए। तब कल्पना करें कि इस संसार में भूतों की संख्या मनुष्यों की आबादी से भी कई गुना अधिक होनी चाहिए, परंतु ऐसा देखने में तो आता नहीं है ना। सामान्य जीव जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जैसे कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वो गहरी नींद में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वो हिल डुल भी नहीं पाता। उस समय दो यमदूत आते हैं। उस समय शरीर के अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। उसी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूत की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वो जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वो नहीं चल पाती और भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वो जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वो जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वो जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंड दान नहीं देते हैं तो वो प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को चलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठवें और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, नौवें और दसवें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वो भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन तक लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर जीव यमराज के पास पहुंचती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।